सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल अर्निंग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने मोबाइल से ही डाटा एंट्री काम करके महीने में 10 से 20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं फुल ट्यूटोरियल के साथ बताऊंगा कि आप मोबाइल में एक्सेल ऐप की मदद से डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं और महीने में हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डाटा एंट्री सीख जाएंगे, बहुत ही आसानी से डाटा एंट्री कर सकेंगे और किसी भी फील्ड में आप डाटा एंट्री करके बहुत अच्छा इनकम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम मोबाइल में ही डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से एक्सेल ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक RTO डाटा एंट्री करके आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। RTO डाटा एंट्री मैंने की रखी है यहाँ पे मैंने RTO डाटा एंट्री ऐसे की है, आप भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि RTO की डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे प्लस वाले चिन्ह पे क्लिक करिएगा और उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक हम सेलेक्ट कर लेंगे डाटा एंट्री करने के लिए। तो उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल लिख देंगे किस बारे में आप डाटा एंट्री करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे RTO डाटा एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे RTO डाटा एंट्री लिखेंगे और उसके बाद नीचे आने के लिए इस वाले कर्सर पे क्लिक करेंगे और आगे जाने के लिए वहाँ पे क्लिक। उसके बाद सबसे पहले सीरियल नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, और उसके बाद यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में DOB डाल दें। उसके बाद एड्रेस, उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, यहाँ शॉर्टकट में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ाते रहिएगा तो आगे आप डालते रहिएगा। उसके बाद इंजन नंबर, उसके बाद यहाँ पे चेसिस नंबर, और उसके बाद यहाँ पे व्हीकल एक्सपायरी डेट डाल देंगे। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे पूरा बन चुका है। तो इसको हम साइज़ में लाएंगे, किस साइज़ में हमको यहाँ पे RTO डाटा एंट्री करनी है। तो इसके सबसे पहले हम यहाँ पे APA सेलेक्ट करके यहाँ पे साइज़ बढ़ाएंगे इसका। तो यहाँ पे हम APA सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर को हम कम कर देते हैं क्योंकि इसमें नंबर लिखे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि नाम यहाँ पे आएगा। फादर नेम को भी बड़ा कर देते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को भी, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा बड़ा होता है तो बड़ा हम डाल देंगे इसमें। और उसके बाद यहाँ पे इंजन नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे 34 नंबर का बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल एक्सपायरी डेट को हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से आप जितना चाहे उतना यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी आपकी डाटा एंट्री जितनी करना है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर पे हम जिसमें डाटा एंट्री करना है डबल बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर लिख देंगे, नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे जितनी डाटा एंट्री करनी है उतने नंबर यहाँ पे लिख देने हैं। तो यहाँ से हम 10 नंबर ले लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले नेम वाले पे डबल क्लिक करेंगे एक नंबर पे, और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले नाम लिख देंगे, सबसे पहले नाम लिख देंगे, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एड्रेस डाल देंगे कहाँ कहाँ है, उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद इंजन नंबर, उसके बाद चेंजिस नंबर, उसके बाद व्हीकल एक्सपायरी डेट। तो आप टोटल यहाँ पे जितनी डाटा एंट्री करनी है आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे नाम लिखेंगे और उसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद इंजन नंबर डाल देंगे यहाँ पे, और उसके बाद चेंजिस नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे व्हीकल एक्सपायरी डेट डाल देंगे। टोटल आप यहाँ पे पूरी 10 एंट्री मैंने यहाँ पे की है। तो आप भी टोटल यहाँ पे उतनी ही एंट्री कर लीजिए। आप इसी प्रकार से पूरी की पूरी डाटा एंट्री कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम पूरी की पूरी डाटा एंट्री कर लिए हैं। उसके बाद आप भी यहाँ पे जैसे मैंने की है आप भी ऐसे कर लीजिए। उसके बाद इसको हम सही से करेंगे क्योंकि ये कम अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम RTO डाटा एंट्री का साइज़ बढ़ा देंगे। इसका साइज़ बढ़ाने के लिए एक पे हमें क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से हम नीचे इसको कर लेंगे। उसके बाद RTO डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके नीचे हम इसका टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर देंगे। इसको हम सेंटर ले जाएंगे, तो यहाँ पे ये सेंटर में आ चुका है। और उसके बाद यहीं से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं या टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। बोल्ड कर लेंगे इसको हम, यहाँ पे हम कलर भी इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर से सेलेक्ट करके यहाँ पे पूरा हम सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको सेंटर कर देंगे, उसके बाद नेम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको भी सेंटर कर देंगे, और उसके बाद फादर नेम को यहाँ से पूरा हम एक बार में ले लेते हैं। इसको हम पूरी तरीके से यहाँ पे पूरा सेंटर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें बॉर्डर देना है एक, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। तो सीरियल नंबर से सेलेक्ट करके हम यहाँ से पूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम बॉर्डर वाले पे आ जाएंगे। यहाँ से हमें ये वाला बॉर्डर देना है, तो आप कोई सा भी इसमें अच्छा सा बॉर्डर दे दीजिए। मैंने बॉर्डर दे दिया है, तो देख लीजिए आपका कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो यहाँ से आपको कई सारे फंक्शन भी इसमें मिल जाते हैं, इंसर्ट ड्राफ्ट फॉर्मूल जितने आपको कंप्यूटर मिल जाएंगे यहाँ पे, उतने सारे यहाँ पे फंक्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से किसी को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से जितना साइज़ कर देंगे उतना साइज़ हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन आप किसी को भी जितना करना चाहते हैं जिस प्रकार वो कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कलर भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कलर भी फिल हो चुका है। तो आप इसमें कई सारे सारे के सारे फंक्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। यहाँ से क्लिक करके इसको हम पहले वाला कर लेंगे या बाद वाला कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं या इसको टेम्पल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जिस प्रकार से डाटा एंटर कर सकते हैं उसी प्रकार से इसमें इजी बिल्कुल बताए हैं। तो यहाँ सीट भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो जितनी ज़्यादा आप सीट करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा सीट इसको हम ला सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर भी कई सारे मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डाटा एंट्री हो जाने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे, यहाँ से सेव पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से डाटा एंट्री करके आप बहुत सारे रुपये अर्न कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखते हैं।